नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे आपके चैनल पर हम दोनों का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर। और दोस्तों, टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर में भी मैं आपको उन वाइब्रेटर्स के बारे में ज्यादा बताने वाला हूं जो कि आप सिविल साइट पर कंस्ट्रक्शन साइट पर ज्यादा यूज करते हैं, और उनका वर्क क्या होता है, कितने प्रकार के वाइब्रेटर होते हैं, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए कोई भी बात आपसे छूट ना जाए, क्योंकि होने वाली वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल, इसे शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहें दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल मैं भूले दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की सिविल साइट जुड़ी हुई इससे बेहतर बेहतर वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने वो सारी नहीं देखी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए। और दोस्तों, नई वीडियो जैसी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन बेल अगर आप बजा लेंगे तो। अब दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। कुल मिला के दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे चार प्रकार के वाइब्रेटर होते हैं, और हम नॉर्मली जो साइट पे यूज करते हैं सबसे फर्स्ट है नीडल वाइब्रेटर। दोस्तों, नीडल वाइब्रेटर जो होता है हमारा, एक्चुअली में ये भी दो प्रकार के वाइब्रेटर होते हैं नीडल वाइब्रेटर। इसमें एक होता है इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर और एक होता है डीजल वाइब्रेटर। अब दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर डीजल वाइब्रेटर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर जैसे कि समझ में आ रहा है कि वो इलेक्ट्रिक से चलने वाला वाइब्रेटर है, और दोस्तों वहीं दूसरा जो डीजल वाइब्रेटर है वो वाइब्रेटर हमारा डीजल से चलता है, फ्यूल से चलता है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये दो प्रकार के वाइब्रेटर है, और सब इन दोनों का काम एक ही है, और ये अच्छा कंपैक्शन दोनों ही करते हैं। और दोस्तों, एक्चुअल में जो इनका नीडल है यही इनका इंपॉर्टेंट है, जो इनके 40 mm से इनका नीडल स्टार्ट होता है और 100 mm तक इनका नीडल जाता है, और 40 mm से स्टार्ट होकर 100 mm तक जाता है नीडल। एक्चुअल में है क्या, जो आप पिक्चर देख रहे होंगे वाइब्रेटर की जो नॉर्मल साइड पर यूज करते हैं, तो उसमें जो नीडल होता है जिससे आप वाइब्रेट करते हो उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, 40 mm से शुरू होकर के वो 100 mm तक उसकी मोटाई जाती है। अब दोस्तों, एक्चुअल में वाइब्रेटर होता क्या है, यहाँ पे हम वाइब्रेटर के बारे में जानने आए हैं, तो एक्चुअल वाइब्रेटर होता क्या है यहाँ पे। वाइब्रेटर जो है हमारा कंपैक्शन का काम करता है कंक्रीट में, जो कि हमारे कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करता है, उसके अंदर से एयर निकालता है जो, और छोटे छोटे जगह हैं, कई काफी बार होता है कि काफी बार आप हाथों से उस जगह पर कंक्रीट नहीं पहुंचा सकते, वहां पे एयर है तो वहां पे आप वाइब्रेट करोगे तो उस जगह पे कंक्रीट चली जाएगी। जैसे कि आप रेनफोर्समेंट में आप हाथों से कंपैक्ट नहीं कर सकते हो, वहां पे नहीं जा सकती है, छत के जो बीम्स वाले बीम वाले एरिया है वहां पे कंपैक्शन आपका हाथों से नहीं हो सकता, मगर वहां पे अगर वाइब्रेटर से कंपैक्शन करोगे तो बहुत अच्छी तरह से कंपैक्शन हो जाता है। एक्चुअल में वो एयर को बाहर कर फेंक देती है, ये ही मेन काम होता है वाइब्रेटर का, कंपैक्शन। अब दोस्तों, इसमें अगला वाइब्रेटर आ जाता है एक्सटर्नल शटर वाइब्रेटर। अब दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है एक्सटर्नल शटर वाइब्रेटर, ये एक्चुअल में काम क्या होता है, ये जो बड़े बड़े जो हाई राइज बिल्डिंग या बहुत बड़ी छत जो होती है उसमें बाहर से लगाया जाता है शटरिंग के, और उसके बाद उस शटरिंग के बाहर से लगा देते तो पूरे शटरिंग को वाइब्रेट होता है, उसमें वाइब्रेशन होने के कारण जो आपका कंक्रीट है वो उसमें कंपैक्शन होता है और कंक्रीट बैठती है, तो इसका भी काम भी वही होता है मेन, और ये आपको कंपैक्शन का काम ही आता है, मगर ये बहुत ज्यादा बड़े हाई राइज बिल्डिंग में आता है। और दोस्तों, ये इसका काम एक्चुअली में जो शटरिंग जो होती है, शटरिंग हो या कुछ बड़ा फर्मा हो उसमें बाहर से लगा दिया जाता है, जहां पे आपका हाथ नहीं पहुंचा सकता, जहां बहुत दूर तक, जहां बहुत थिक कंपैक्शन करना होता है उस जगहों पे इसका काम आता है, जिसका कि ऑलरेडी शटरिंग के बाहर से या फिर एक एरिया के बाहर से लगा दिया जाता है, और ये पूरा शटरिंग वाइब्रेट करता है, शटरिंग वाइब्रेशन के कारण कंपैक्शन हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगला वाइब्रेटर आता है हमारा सरफेस वाइब्रेटर। ये सरफेस वाइब्रेटर दोस्तों, ये आपको बहुत कम दिखाई पड़ता है लेकिन इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि इसका आपका ट्रिमिक्स, अगर आपने ट्रिमिक्स करवाते हुए अगर साइट पे देखा होगा एज ए फ्रेशर या फिर एक सिविल इंजीनियर से जिन्हें जानते होंगे ट्रिमिक्स को कहते हैं, ट्रिमिक्स एक्चुअली होता है क्या है कि जो आप वो फ्रेश फर्श जो है आपका अपना फर्श जो है वहां पे आप कॉन्क्रीट से डलवाते हो तो उसको बहुत अच्छी फिनिशिंग देकर, उसको चिकनाहट देकर बहुत प्लेन और बहुत चिकना बनाया जाता है, और चिकना बनाने के कारण बहुत अच्छी फिनिशिंग और बहुत अच्छा फिसलन होता है उसके ऊपर, बहुत अच्छा चमकती है वो, उस वहां पे वाइब्रेटर यूज किया जाता है, और उसकी एक्चुअली में ये कम थिकनेस वाली जगहों पे वहां पे सरफेस वाइब्रेटर यूज किया जाता है, मतलब कम थिकनेस होती है, जैसे 150 mm तक के आसपास थिकनेस होती है, या फिर कम थिकनेस वाले स्लैब पे यूज किया जाता है, तो ये इस वाइब्रेटर का यूज वहीं पे किया जाता है। अब दोस्तों, अगला वाइब्रेटर आ जाता है हमारा टेबल वाइब्रेटर। अब दोस्तों, ये टेबल वाइब्रेटर जो है हमारा, ये कहां यूज होता है इसके बारे में दोस्तों ज्यादा नहीं पता है मुझे, मैं आपसे ज्यादा नहीं बताऊंगा, मुझे खुद भी नहीं पता इसके बारे में ज्यादा। टेबल वाइब्रेटर जो एक्चुअली में यूज होता है, मैंने जो जहां जानता हूं, ये आपका लेबोरेटरी और फैक्ट्री एरिया में ज्यादातर होता है, वहां पे कुछ टेस्ट करने में या फिर ऐसे ही कामों में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसलिए
आप मुझे बताइए अगर टेबल बैडमिंटन को आप अगर ज्यादा जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं टेबल बैडमिंटन ज्यादा मैंने आज तक देखा नहीं है, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है इस बाबा के बारे में ज्यादा। तो दोस्तों वीडियो करता हूँ समाप्त, अगर वीडियो के बारे में कुछ छूट गया हो, कुछ मेरे ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के जरूर बताएं अपनी राय। और दोस्तों बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर करें, और दोस्तों नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में।